अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सऊदी अरब की दो अहम तरीन खबरों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर वन जो हमारी खबर है वो इकामा फीस के हवाले से है, और जो दूसरी हमारी खबर है वो है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के नए कानून नए मुखालफे के हवाले से। तो दोस्तों जो कि ये दोनों खबरें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इस वीडियो को लाजमी ला से देखते रहें, इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानब से आपको 1 से 2 हज़ार रियाल का जुर्माना हो जाएगा, और इससे आपकी जान को भी बहुत बड़ा खतरा है अगर आप आज की इस वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी कोई भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए। नाज़रीन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप सऊदी अरब में काम करते हैं, अगर आपका इकामा वैलिड है, इकामा एक्सपायर हो चुका है, आपका हरूब लगा है, या फिर आपका कफील या कंपनी आपको आपके मुल्क जाने की इजाज़त नहीं दे रही, या फिर आपको सऊदी अरब में आए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, आपका अभी तक भी इकामा नहीं बना, तो अगर आप फाइनल एग्जिट या आउट पास पर अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं तो आप सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर अपने मुल्क वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आपने इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप के जरिए ही रब्ता मुमकिन करना है। तो व्हाट्सअप पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपने इन्हें बताना है कि मेरा ये मसला मसाइल है, तो ये आपका खरूज लगा कर एम्बेसी के जरिए सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। बेशक आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से या फिर नेपाल से हैं, तो आपका काम 100% शर्तिया होगा और सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर आपको आपके मुल्क वापस भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि 2020 में इकामा टैक्स कितना होगा। तो जैसे कि मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि 2020 में जो कि मुकम्मल इकामा टैक्स होगा वो होगा 620 रियाल या फिर 630 रियाल। जितना आपने 2019 में इकामा टैक्स अदा किया था उतना ही 2020 में आपको इकामा टैक्स अदा करना पड़ेगा। और साथ ही सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत ही ज़्यादा सख्ती से ऐलान किया है कि कोई भी जो कि गवर्नमेंट का प्राइवेट गवर्नमेंट का सेक्टर है या फिर प्राइवेट सेक्टर है उसमें किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, या फिर अगर कोई पिछला पुराना टैक्स चल रहा है तो वो उतना ही टैक्स रहेगा, किसी भी टैक्स में कोई इजाफा वगैरह नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी और आखिरी खबर के हवाले से जो कि महकमा ट्रैफिक की जानब से है, जो कि आपको जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि शायद आपको मालूम हो, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर आपने वीडियो देखी हो, 15 से 20 से 25 दिन पहले एक सऊदी अरब में हादसा हुआ था जिसकी पिक्चर्स वगैरह फेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी। तो हादसा किस तरह हुआ था वो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। तो सऊदी गवर्नमेंट ने जो नया कानून जारी किया है वो ये है कि अगर, जैसे कि आपको मालूम है कि सड़क पर जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी रफ्तार से चलती हैं, कहीं पर यानी कि स्पीड लिमिट होती है, कहीं पर स्पीड लिमिट नहीं होती। तो जहाँ पर स्पीड लिमिट नहीं होती वहाँ पर गाड़ी तेजी तेज रफ्तार से जाती है, ठीक है। अगर वहां पर कोई बंदा अचानक गाड़ी के सामने आ जाए, यानी कि रोड को क्रॉस करने लगे, अचानक गाड़ी के सामने आ जाए, इस सूरत में उस बंदे की जान भी जा सकती है, या फिर अगर ड्राइवर अच्छा हो तो वो अपनी गाड़ी को साइड कर लेगा जिससे पीछे से आने वाली गाड़ियों में वो टकरा जाएगा, इससे उस ड्राइवर की भी जान जा सकती है, या फिर वो फुटपाथ से जाकर टकरा जाएगा। तो सऊदी गवर्नमेंट ने यह ऐलान किया है कि जो हादसा ये हो चुका है ये 20 से 25 दिन पहले, अगर इस हादसे से यानी कि इस तरह से मुस्तकबिल में इस तरह से होने वाले हादसों से बचना है तो इस चीज़ पर एक टैक्स लगा दिया जाए। तो उस टैक्स का कितना फाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर कोई शख्स अचानक से यानी कि गाड़ी पीछे से आ रही है, अचानक से उसके सामने आ जाता है, तो खुदा ना खास्ता यानी कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो पहले नंबर पर तो उसकी जान चले जाए, और दूसरे नंबर पर अगर वो बच जाता है तो उसे 1000 रियाल का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पर ये भी सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि अगर कोई बंदा फुटपाथ पर चल रहा है, यानी कि फुटपाथ पर चल रहा है, तो अगर कोई गाड़ी फुटपाथ के करीब से तेजी से गुजरती है, अगर वो कैमरे में कैप्चर हो जाती है, पिक्चर या वीडियो बन जाती है, तो इस सूरत में उस गाड़ी वाले को भी 1000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। तो ये है सऊदी अरब का नया ट्रैफिक कानून जो कि आपको जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑन करें ताकि जब भी कोई मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप दोस्तों को मिल जाए।